राजधानी शिमला के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर जाखू में दशहरे के मौके पर रावण के 45 फुट ऊंचे पुतले का दहन होगा। वहीं मेघनाथ का 40 और कुंभकर्ण का 35 फुट ऊंचा पुतला जलाया जाएगा। इससे पहले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र आतिशबाजी रहेगी। खास बात यह है कि इस हिंदू पर्व के लिए यूपी के शाहनवाज द्वारा पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से मंदिर में दशहरे की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जाखू मंदिर को रंग रोगन कर सजाया जा रहा है। इसके साथ ही गेंदे के फूलों से मंदिर की भव्य सजावट की जाएगी। दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यूपी से आए कारीगर शहनवाज ने बताया कि 25 वर्षों से भी इस कार्य से जुड़े हैं। शिमला में गत 18 वर्षों से आ रहे हैं। शिमला के जाखू मंदिर और संकट मोचन में वे पुतलों का निर्माण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दशहरे पर पुतला दहन के साथ आतिशबाजी का कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। रिमोट के द्वारा ही इस वर्ष भी पुतला दहन किया जाएगा। इस बार रावण का पुतला 45 फीट, कुंभकर्ण का 40 फीट व मेघनाथ का पुतला 35 फुट का बनाया जा रहा है। सर, मेरा नाम है शाहनवाज। सर, मैं जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, तकरीबन ये मैं 25 साल से कर रहा हूँ काम। आप यहाँ आ रहे हैं? सर, पिछले 18 सालों से मैं आ रहा हूँ यहाँ काम करने के लिए, जाखू में और संकट मोचन में। सर, जो मेघनाथ का पुतला है वो 35 फुट रहेगा, जो कुंभकर्ण का है वो 40 फुट रहेगा, और जो रावण का पुतला है वो 45 फुट रहेगा। सर, जो आतिशबाजी होगी वो कलरफुल होगी, स्काई शोर्स वगैरह ज़्यादा होंगे, और जो पुतले का दहन किया जाएगा वो रिमोट के द्वारा किया जाएगा।